बड़ी सेंसिबल बैटिंग की सूर्य कुमार ने। वर्ल्ड T20 जारी है जिसमें भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने छक्के मारे हैं, बहुत ही जबरदस्त मारे हैं, पूरा बैटिंग को एंजॉय किया, मजे लिए और क्राउड को खासतौर पर बहुत एंटरटेन किए। और इंडिया के इस वक्त दुनिया के कहना चाहिए वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन सूर्य कुमार यादव AKA स्काई। गुड प्लेयर है सूर्य कुमार, वो जिस तरह खेलता है मुझे बहुत पसंद है, मगर जहां तक चीजें हैं उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाए क्योंकि मिडल ऑर्डर टॉप ऑर्डर मुख्तलिफ चीजें हैं। आज जिसने भी सूर्य कुमार की बैटिंग देखी वो सूर्य कुमार का दीवाना बन गया। क्या बैटिंग की है भाई, विपरीत परिस्थितियों में आके इस तरीके से खेलना, वो भी लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से, वाह सूर्य वाह। अगर जहां जिस पार्टनरशिप ने जितवाया है अगर उस चीज को देखें आप तो उनका होमवर्क दिख रहा है कि जब विकेट गिर जाए तो जो पार्टनरशिप बिल्ड होगी उसमें डॉट बॉल्स कम होंगे। सही सही, तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। इंडिया के सामने आप बेशक, मैं कहता हूँ इस टाइम सारे मम्मी डैडी खिलाड़ी, सारे पुराने खिलाड़ी, क्रिस गेल, जिस मर्जी को उठा के ले आओ ना, इंडिया से जीतना नामुमकिन हुआ है। बजा दिया आज इंडिया ने, घंटा बजा दिया आज इंडिया ने अफगानिस्तान का। जो जीत का सिलसिला है हर मैच वो जीतता चला जा रहा है। जो क्रिकेट मैंने देखी है इंडिया की तरफ से बहुत ही रूथलेस है, really रूथलेस। काफी अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो आज उन्होंने अफगानिस्तान की खूब अच्छे तरह धुलाई की है, बगैर साबुन के उन्होंने उनकी धुलाई की है। बिल्कुल देखे, जहां उनको बाउंड्रीज ऑप्शन मिली उन्होंने क्रिएट भी की, और जो कहते हैं ना कि बाजू का तो बॉलर मिस्टेक करते हैं लेकिन आपको क्रिएट भी करना पड़ता है, जैसे सूर्य कुमार यादव। अफगानिस्तान को इतनी बुरी हार, इतना जलील किसी टीम ने नहीं किया, हम तो करते ही नहीं ना, हम तो अफगानिस्तान से हार जाते हैं। एक बार फिर से हमारी ओपनिंग जोड़ी नहीं चली। ओपनिंग जोड़ी के बारे में BCCI को, टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को जरूर सोचना चाहिए। चार मैच हो चुके हैं, चारों मैचों में फ्लॉप हो चुके हैं। विराट कोहली का जो स्थान था उसको वहां पहुंचा देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैंने लास्ट मैच में भी ये बोला था, मैं आज भी ये बोल रहा हूं कि विराट कोहली को उसकी अपनी जगह पे भेज दो, वो वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल है। पता नहीं टीम मैनेजमेंट क्या चाहता है। ठीक है भाई, तुम हमसे बहुत ज्यादा सीनियर हो, तुम बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठे हो, लेकिन हम भी एक क्रिकेट की समझ रखने वाले लोग हैं, हम भी थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में जानते हैं, हमने बचपन से क्रिकेट देखी है, तो भाई थोड़ी सी नॉलेज तो हमको भी हो सकती है। और मैं कोई अकेला नहीं हूं कि जो ये बोल रहा हूं कि विराट कोहली को वापस उसके तीसरे स्थान पे भेज दिया जाए। बहुत सारे भाई लोग हैं जो कमेंट सेक्शन के अंदर यही बात बोल के जाते हैं, समर्थन करते हैं मेरी बात का। तो मैं टीम मैनेजमेंट से ही बोलना चाहूंगा, भाई वापस से विराट कोहली को उसकी जगह पे भेजो ताकि हम उसकी रन मशीन में जो रन रुक गए ना, हम उस रन को एंजॉय कर सके। खैर आज सूर्य ने जो बैटिंग की उसकी तो वाह 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 वाह, और ये वर्ल्ड कप में भारत की पहली जीत हो चुकी है, और अभी भारत को दो मैच और जीतने हैं, क्योंकि हम तो यही उम्मीद करेंगे ना कि इंडिया टीम सारे मैच जीते, हारने का तो कोई काम ही नहीं अपने पास। हम पाकिस्तानी थोड़ी ना कि चार में से दो हारेंगे और पहले राउंड में बाहर। हिंदुस्तान जीते और पाकिस्तानी अपना ओपिनियन ना दे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस टाइम वो परफेक्ट टीम है, किसी किस्म का कोई उनके अंदर इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया अपना माइंडसेट चलाती है, टीम वर्क करती है, इंडिया जो है मेहनत करती है बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में। आई मीन हैट्स ऑफ टू देम, अब इस टाइम टू कंटिन्यू प्लेइंग लाइक दिस एंड अनबीटन जाते रहे और जीतते रहे। Best of luck to Rohit Sharma and the management and good luck to India. भी कौन सा इंडिया के सामने है, बिल्कुल उन्होंने बच्चों की तरह खेला और उन्होंने ऐसी गली क्रिकेट खेल के उनको बच्चों को आगे भेज देते हैं। बस वो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आया हुआ था और काफी मतलब लाइसेंस लेके आया हुआ था बाहर से कि मैंने कोई बॉल रोकनी नहीं है। बिल्कुल, घंटा बजा दिया आज अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान को बता दिया कि बाप के साथ पंगा नहीं लेना, पंगा लोगे तो ऐसा पेलेंगे। समझ गया भाई, अफगानिस्तान को उनको टीम ही बड़ी हल्की लगती है, उसको इजी उन्होंने जो है ना निपटा दिया। ऑल काइंड ऑफ वेन, ओके इट वाज एन इनएक्सपीरियंस साइड बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली। अफगानिस्तान की जो एफर्ट्स होती है ना पाकिस्तान के खिलाफ होती है, इंडिया के खिलाफ उन्होंने कभी एफर्ट की ही नहीं। जो आज की इनिंग्स देखी है, सबसे अच्छी चीज जो क्रिकेट में जरूरी है ना, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, एंड ही हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल। उसमें आप छोड़ दें कि वो वाइब्रेंट इनिंग्स थी या नहीं थी, मेरी नजर में ये वाइब्रेंट इनिंग्स ये होती है जब आप मैच को जितवाएं और सिचुएशन अच्छी हैंडल करें। काफी अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो आज उन्होंने अफगानिस्तान की खूब अच्छे तरह धुलाई की है, बगैर साबुन के उन्होंने उनकी धुलाई की है। आप एंजॉय कर रहे थे मैच को? जी बस हमने एंजॉय कर होता है, किसी के साथ ये नहीं है कि ये क्यों जीता है या क्यों हारा है, हार जीतो। नो डाउट अफगानिस्तान की टीम भी कोई माड़ी टीम नहीं, अच्छी टीम है, इतनी धुलाई हो गई।
वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बस अब क्या कह सकते हैं, अब उनके पास स्पिनर काफी अच्छे स्पिनर है। आज इंडिया बता रहे क्रिकेट खेली कैसे जाती है, पेसर्स के हवाले से हमारे शाहिन गेंडे की फॉर्म नहीं आ रही, उधर स्पिनर की फॉर्म नहीं आ रही, इंडिया का सिराज एशिया का बुमराह अभी आज जिस किस्म की फॉर्म दिखाई है। अफगानिस्तान को उनको टीम ही बड़ी हल्की लगती है, उसको इजी उन्होंने जो है ना निपटा दिया। तो इस टाइम वो परफेक्ट टीम है, किसी किस्म का कोई उनके अंदर इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के जीत पे क्या कहेंगे? जीतेगा वो, वर्ल्ड कप जीतेगा, 90% चांसेस है। ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की इनिंग्स देख के अभी तक मुझे लगता है कि बहुत से सवाल आएंगे इनके पास, लेकिन आज अगर मैं कहूँ तो फुल टिक है। लेकिन मैं क्यों जायसवाल की मैं फेवर में हूँ इस टीम के अंदर, कि आपका मेन प्लेयर जो पूरी दुनिया में नंबर वन के जोन में खड़ा हुआ है, यहाँ जिस पे हम सोचते हैं कि इंडिया की जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर है वो विराट कोहली है, उसको नंबर तीन पे लाने के लिए, आई एम नॉट के दुबे खेले या कोई भी खेले, लेकिन अगर जायसवाल ओपनर खेलता है तो विराट कोहली अगर तीन पे खेलते हैं तो मुझे ये लगता है कि इंडिया ज़्यादा बेहतर शेप में आएगा। क्योंकि जब ओपनर के दोनों ये जाते हैं रोहित और कोहली, या जब ये दोनों आउट हो जाते हैं या इनमें से कोई एक भी आउट हो जाता है, तो ये हिम्मत मिलती है दूसरी टीम को। अफगानिस्तान की जो एफर्ट्स होती है ना पाकिस्तान के खिलाफ होती है, इंडिया के खिलाफ उन्होंने कभी एफर्ट की ही नहीं। आप लास्ट उनके जो दो तीन मैच हैं उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा इंडिया का जो परफॉर्म है आज इंडिया ने अच्छा किया, अच्छा खेला। विराट कोहली भी खड़ा है मेरे ख्याल से, वो जीत गया, लेकिन इंडिया ने आज अच्छा मैच किया था अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान ने भी अच्छा किया, इंडिया जीत गया है। जीत गया उनकी एक्सप्रेशन है तो गुस्से वाले क्यों दे रहे हैं आप? नहीं नहीं गुस्सा तो नहीं। हाँ तो जीता क्या कहेंगे उसको? परफॉर्मेंस कैसी रही है, परफॉर्मेंस पे बात? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही है इंडिया की, इतनी अच्छी बॉलिंग थी उनकी अफगानिस्तान की, उसके अगेंस्ट उन्होंने मैच खेलने का देखने का मजा आया आपको? हाँ मजा तो बहुत आया मैच। अच्छा जब मैच हो रहा था क्या उम्मीदें थी कि अफगानिस्तान जीत जाएगा? नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था, इंडिया की इंडिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग, उनकी बॉलिंग बैटिंग हर चीज उनकी ठीक है, अफगानिस्तान का तो बहुत मुश्किल लग रहा था जीतना। साथ इतने बैटिंग भी उनकी बुरी नहीं है, पता नहीं उनको फिर क्या हो जाता है कि वो ज्यादातर मैच हार ही जाते हैं, जीते जीते या जीतते ही नहीं है बिल्कुल। और इंडिया बार बार क्यों जीत रहा है, इसका भी कोई फार्मूला होगा फिर? आप इंडिया एक तो जीतता है तो उनके पीछे उनका एक तो बैटिंग लाइन है, एक बॉलिंग लाइन है, और दूसरा है कि वो जब आते हैं तो प्रेशराइज नहीं होते, बिल्कुल इत्मीनान के साथ आते हैं और इत्मीनान के साथ खेलते हैं बिल्कुल। अगर भी अच्छी एक तो विकेट चली जाए या जो भी हो जाए प्रेशराइज नहीं होते, हमारे जैसे कप्तान हैं बाबर आजम काफी अच्छे। क्या दुखती रग पे हाथ रख दिया, दुखती रग पे हाथ रख दिया ना, रग तो हमारी पहले से ही दुख रही थी ना बात। क्रिकेट को मार मार के लली बना देना यार, आपको पूछने वाला सवाल यार, कभी अफगानिस्तान की टीम है, मेरे कोच हो और मैं आपका शागिर्द हूं, आप मेरे बॉस हो, बॉस से कभी कोई मुकाबला भी होता है? हम उनके ऑलराउंडर्स आपने देखे होने, हार्दिक पांड्या, अक्षत पटेल हो गए, जडेजा हो गए, कितनी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में बॉलिंग में। अगर बात करें हम बुमराह की तो भाई वो तो पकड़े नहीं जा रहे, इतनी कमाल की वो बॉलिंग कर रहे हैं। इंडिया वन साइडेड जीतेगा, वन साइडेड जीतेगा, कल भी वन साइडेड जीतेगा। अगर इंडिया बैटिंग करता है कितना स्कोर नजर आ रहा है आपको? अप्रोक्सीमेटली अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है ना तो 180-190 के राउंड अबाउट। 180 और अफगानिस्तान अगर बैटिंग करता है तो? अफगानिस्तान करता है तो 130-140। मतलब कि इंडिया के लिए इजी मैच है, इजी मैच है। तो इंडिया को कोई रोक नहीं सकता, इंडिया को किसी का बाप भी नहीं फाइनल जीतने से रोक सकता, क्योंकि जितनी इंडिया ने मेहनत की है उसका हक भी है और कोई उसको खराब नहीं सकता। जनरली बेस्ट बॉलिंग इंडिया। पूरा वीडियो आपने देख लिया, आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आपका स्वागत है, कमेंट सेक्शन आपका है, और भाई साहब वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, एक शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता, और अगर आप नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना लाजमी है। गर्मी देख रहे हो, पता नहीं कैमरे में आएगा नहीं आएगा, ऐसे माहौल में वीडियो बनाना पड़ता है आपके लिए, और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।